بعد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام اور عزیزان ملت، اس وقت میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 کی ایک سورت جس کی میں نے تلاوت کی، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر و عافیت والا فرماوے. سال بھر اللہ ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی مہلک بیماریوں سے، شرور اور فتن سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے. یہ سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے کہ والعصر، عصر کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے عصر کے وقت کی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آخری قسم ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے کوئی قسم نہیں کھائی. والعصر کے بعد اللہ رب العزت نے جن صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سورة الہمزہ ہے، سورة الفیل ہے، سورة قریش ہے، اور آخری سورت سورة الناس. کسی صورت میں اللہ نے پھر کوئی قسم کا ذکر نہیں فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ وقت یہ بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے. ہر آدمی کو وقت کی قدردانی کرنی چاہیے. جو وقت گزر گیا وہ زندگی میں کبھی واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. لیکن آج دنیا پاگل بنی ہوئی ہے کہ جب سال پورا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا محفلیں سجائی جاتی ہے اور کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. حالانکہ دوستو، سال کے گزرنے پر ہمیں تو غم منانا چاہیے کہ تیری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور تو ایک سال اپنی موت کے قریب ہو گیا اور ایک سال دنیا سے دور ہو گیا. تو ہم تو قبر سے قریب ہو گئے، تو خوشی کے بجائے ہمیں تو غم منانا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلامی نیا سال شروع ہوتا تھا تو میرے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ادخلوا علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان.
कि अल्लाह इस साल को तो अमन वाला बनाना, इस साल को तो आफियत वाला बनाना, इस साल को सलामती वाला बनाना, और ये साल ऐसा बनाना कि हमें पूरा साल वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे रहमान तू राजी हो जाए। कौन राजी हो जाए? रहमान राजी हो जाए। आज नियतें करनी चाहिए कि अल्लाह ये नया साल कल से शुरू होने जा रहा है, पूरा साल हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी हो जाए। हमें और आपको तो जब नया साल शुरू हो तो उस वक्त रात में 12 बजे उठकर 2 रकात नमाज पढ़ें और अपना सर झुकाकर अपने दिल पर तवज्जो डालें और सोचें कि अल्लाह गुज़श्ता साल मैंने कितने गुनाह किए हैं, उस पर नदामत का इजहार, उस पर नदामत के दो आंसू बहाएं कि अल्लाह मुझसे ऐसे गुनाह हो गए तो मुझे माफ कर देना। और अगर कोई नेक काम करने की तौफीक मिली है हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि साल भर तूने मुझे नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह के सामने रोकर यूं मनवाए कि अल्लाह ये नया साल शुरू हो रहा है, साल भर तू मेरी गुनाहों से हिफाजत फरमाना, कि मैं साल भर नमाज का एहतमाम करूंगा, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया हजरत फरमाते हैं कि बरसों से मेरा यह अमल रहा है कि 31 दिसंबर रात जब 12 बजती है तो रात को 12 बजे में मुसल्ले पर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने रोता हूं, ये अल्लाह आज की रात में तेरे नबी की उम्मत मालूम नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला है, पता नहीं क्या क्या खुराफात हो रहे होंगे, ये अल्लाह तो उन सबको माफ कर देना, ये अल्लाह तो उन सबको माफ कर देना और नेक काम करने की तो तौफीक अता फरमाना। रातों को रोने वाले बने, हमारी रातें मुसल्ले पर गुजरे। अजीज दोस्तों, हमें और आपको चाहिए अल्लाह के सामने सर झुकाकर यूं कहें मैं अपनी जिंदगी का हिसाब ले रहा हूं। श्री हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हिसाब लिए जाने से पहले खुद अपना हिसाब ले लो। हमें खुद अपनी जिंदगी का हिसाब लेना चाहिए कि मैंने ये साल जो गुजरा है पता नहीं कैसी कैसी झूठ बोला होगा मैंने, कई लोगों को मैंने धोखा दिया होगा, ये अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। जिंदगी में इस बात का तहिया कर लो कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मुझे और आपको ये बात मिलती है, हमारे नबी कितने सच्चे थे, इसलिए तो आपको लकब दिया गया अस्सादिकुल मस्दूक। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर ईमान वाले भी इस बात को तस्लीम करते थे कि मोहम्मद की जबान से निकला हुआ जुमला कभी झूठा नहीं हो सकता है। अस्सादिकुल मस्दूक जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रजी अल्लाह तआला जलीलुल कद्र सहाबी, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रजी अल्लाह तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, बायअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की। किस बात पर बैत की? अला इकामिस सलाह व इताइज ज़का व नुस्ह लिकुल मुस्लिम, तीन बातों पर मैंने बयात की। एक तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह इकामे सला, जब तक जिस्म में रूह रहेगी मैं नमाज का एहतमाम करता रहूंगा। हम भी नियत करें
कि अल्लाह पिछली जिंदगी में नमाजें छोटी है लेकिन आज से मैं अहद करूंगा कि साल भर मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। नमाज के बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। जगह जगह अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। नमाज के बगैर तो मेरी और आपकी गाड़ी चलने वाली अव्वले पुरसिश नमाज बुवत। कल कयामत के दिन बारगाह खुदावंदी में जब पेश किया जाएगा सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। फरिश्तों से कहा जाए देखो नमाज है कितनी पढ़कर आया है, कैसी पढ़कर आया है, कितनी छोड़कर आया है। अगर नमाजें सही है बाकी का हिसाब आसान ले लिया जाएगा। कि जब नमाजें ही ठीक करके आया है तो पता मालूम होगा दूसरे अमाल तो इसके ठीक ही होंगे। क्योंकि नमाज की सिफत है खासा है इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और गुनाहों से रोकती है। नमाजी और झूठ कभी जमा नहीं हो सकता, मोमिन और झूठ कभी जमा नहीं हो सकता। कि मोमिन कभी झूठ बोले ये नहीं हो सकता है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि अलैह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद बड़े बुजुर्ग आदमी थे और बड़े नेक। एक मरतबा किसी जवान ने आकर हजरत से यूं कहा कि हजरत जमुना नदी का पुल जो है वो हवा में उड़ रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह से कहा जाए कि लश्कर भेजे ताकि उस पुल को संभाला जावे। अब अंदाजा लगाओ पुल कभी उड़ सकता है, अकल तो ना कहती है। लेकिन मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि अलैह ने फौरन औरंगजेब के पास पैगाम भेजा, उस्ताद थे, कि जल्दी से लश्कर भेजो जमुना नदी का पुल हवा में उड़ रहा है। और औरंगजेब भी थोड़ी देर के लिए ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या बात हुई। लेकिन हजरत का हुक्म था लिहाजा फौरन हजरत ने लश्कर भेजा भाई जाओ जमुना नदी पर। अब जब वो लश्कर वहां पहुंचा तो देखा कि पुल तो अपनी जगह पर बरकरार है, अपनी जगह से हटा भी नहीं, तो वापस आ गए। और फिर हजरत ने अपने उस्ताद मुल्ला जीवन को यह पैगाम भेजा कि हजरत पुल तो अपनी जगह पर है, वो कहीं उड़ा नहीं है, और पुल कैसे उड़ सकता है। हजरत ने उस वक्त एक जुमला फरमाया औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह से कि जो तेरी सोच है वो भी मेरी सोच है। कि पुल अपनी जगह से उड़ सकता नहीं है लेकिन औरंगजेब जिस आदमी ने आकर मुझे ये खबर दी वो मुसलमान था, वो मुसलमान था। मैंने दिल में सोचा कि पुल तो अपनी जगह से उड़ना मुमकिन, मुसलमान झूठ बोले ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। अस्सिद्क युंजी वल किद्ब युहलिक, सच आदमी को हमेशा नजात दिलाता है और झूठ आदमी को हलाक और बर्बाद कर देता है। आज हमारे हाल ये हो गया है दोस्तों, सुबह से शाम तक हमारी जबान से झूठ निकलता है और पता नहीं कितना झूठ बोल जाते हो, हमें भी पता नहीं रहता। और इस मोबाइल के आने के बाद तो हम कद्दाब बन गए, झूठे बन गए। घर में मौजूद है और कहेगा मैं बाहर हूं, देखता है कि कोई आदमी मेरी मुलाकात के लिए आएगा उससे कुछ काम है तो फौरन कह देंगे मैं बिजी हूं। झूठ बोलने में हम जरा बराबर दरेक नहीं करते। याद रखिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुसलमान जब झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि हमारे हफला फरिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं, एक मील दूर भाग जाते हैं कि अब तेरे पास हम करीब खड़े नहीं रह सकते, तेरे मुंह से बड़ी बदबू आ रही है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, झूठ से अपने आप को बचाओ। अस्सिद्क युंजी वल किद्ब युहलिक,
अल्लाह के नबी एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे और एक सहाबी रसूल ने एक हिरनी का शिकार किया और वो हिरनी ने जब अल्लाह के नबी को देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कह रही है और उसने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, इन्होंने मुझे शिकार कर लिया और इस पहाड़ी के पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं छोड़ कर आई हूं, आप थोड़ी देर के लिए मुझे रस्सी खुलवा दीजिए, मैं अभी अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आपके पास आकर खड़ी हो जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, शिकार आपने किया है, ये हिरनी के मालिक आप हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप बराए करम इसकी रस्सी खोल दीजिए, वापस आ जाएगी। अब हुजूर का हुक्म कौन न माने। उस सहाबी ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं। हिरनी की रस्सी खोल दी और उछलते हुए वो जा रही है और जल्दी से उसने पहले अपने बच्चों को दूध पिला दिया और वो बच्चे दूध पीकर फारिग हुए, वापस नबी की खिदमत में आकर खड़ी हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे बतवा दीजिए, अब मुझे आप बतवा दीजिए। वो सहाबी रसूल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस हिरनी का ये अमल देखा, अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा, मेरी आपसे दरखास्त है कि इसके छोटे छोटे बच्चे इसे रहा कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, अला रासी वल ऐन, आपका हुक्म। फौरन आपने रस्सी खोल दी, वो उछलते हुए चली गई और मेरा नबी उस हिरनी को देख कर यूं कह रहा है, अस्सिदक युज्जी वल किद्ब युहलिक, सच नजात दिला रहा है, ये सच्ची थी, अल्लाह ने उसकी जान बख्शवा दी, अगर चाहते तो वो शिकारी उसको ज़बह भी कर सकते थे। अस्सिदक युज्जी वल किद्ब युहलिक। आज हम नियत करें, जुमा का दिन है, सर कट जाए, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे, अपने दिलों को साफ कर लें। हमारा दिल हसद कीना बुग्ज से साफ होना चाहिए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी एक शख्स आने वाला है जो जन्नती है, जो जन्नती है। अल्लाह के नबी सहाबा बैठे हुए हैं, अचानक एक सहाबी आए और दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाज़ा रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, तो ये जन्नती आदमी। मजलिस बर्खास्त हो गई, दूसरे दिन फिर आज मजलिस लगी हुई है, आज फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जन्नती आने वाला है। तो आज भी वही सहाबी जो गुज़श्ता कल आए थे, वही सहाबी, हाज़ा रजुलुन मिन अहलिल जन्ना। तीन दिन तक मुसलसल ये बशारत का सिलसिला चला, खुशखबरी का सिलसिला तीन दिन तक चला। तीसरे दिन जब आपने ये बशारत सुनाई तो मजलिस में एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम है अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु ताला, क्या नाम है, अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस। ये वो जलीलुल कद्र सहाबी है कि सहाबा में इनसे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं था। साल भर रोजा रखते थे, सिर्फ ईद के दिनों में इफ्तार, बाकी साल भर रोजा, दिन में रोजा, रात भर अल्लाह के इबादत में मुसल्ले पर। अजीब हाल था। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ और पहली रात बीवी से मुलाकात हुई। जब बीवी से मुलाकात हुई तो अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला उन्होंने बीवी से यूं कहा कि मैं जरा थोड़ी देर इजाजत दो तो मैं दो रकात शुक्राने की अदा कर लूं। और वो बीवी बेचारी क्या समझेगी कि मैं दो रकात नमाज पढ़ने में हम और आप हो तो दो मिनट भी मुश्किल से नहीं होते, लेकिन वो तो सहाबा थे, उनकी नमाजें खुशू खुजू वाली थी। तो कहा कि दो मिनट में पंद्रह मिनट आधा घंटा, तो कहा कि ठीक है आप पढ़ लें। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस मुसल्ले पर खड़े हो गए और नमाज शुरू कर दी, सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया,
बीवी इंतजार में है कि अभी दो रुकू पर रुकू करेंगे, अभी रुकू होगा, लेकिन वो तो पढ़ते ही जा रहे हैं, यहां तक के ढाई पारे तिलावत कर लिए, सूरत पूरी हो गई। बीवी ने ख्याल किया कि अब शायद रुकू होगा, हजरत ने दूसरी सूरत शुरू कर दी। पढ़ते रहे दो रकात में पूरी रात गुजार दी। अल्लाहु अकबर, कैसा इबादत का मजा होगा उनको, इबादत में कितना लुत्फ आता होगा। आज हमारे दिलों से इबादत की हलावतें निकल गई, आज हमारे दिलों से कुरान की तिलावत के मजे निकल गए, आज हमारा दिल दुआओं में नहीं लगता, क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों को गुनाहों के दलदल में फंसा कर रखा है। दुआ करें अल्लाह हमारी गुनाहों से हिफाजत फरमाए। पढ़ते गए रात गुजर गई, लिहाजा सुबह सादिक से पहले पहले सलाम फेरा तो बीवी से कहा, माफ करना मैं तो भूल ही गया कि तुम करीब में बैठी हुई हो, करीब में बैठी हो, पहली रात की मुलाकात। और हमारा हाल तो यह है कि हम घर पर भी मस्जिद में आने के बाद भी नहीं भूलते उसे, लेकिन वो जब अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे दुनिया से एकदम कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा 10 दिन गुजर गए, 10 दिन के बाद अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके वालिद मोहतरम ने आने वाली बहू से पूछा, कैफ वजदत अब्दुल्लाह, कैफ वजदत अब्दुल्लाह, क्या आपने अब्दुल्लाह को कैसे पाया। वो भी बड़ी होशियार थी, उसने कोई शिकायत नहीं की। बीवी ने जवाब दिया अपने खुसर को, कहने लगी, या अभी अल्हम्दुलिल्लाह अन्न अब्दुल्लाह रजुलुन सालेह सवामन व कवामन, क्या बड़ा नेक आदमी है, दिन भर रोजा रखता है और रात भर मुसल्ले पर गुजारता है। इशारा समझ गए हजरत कि क्या कहना चाहती है, फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब्दुल्लाह क्या कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए अम्र इब्ने आस और कहा, या रसूल अल्लाह अब्दुल्लाह को बुलाओ और उसे समझाओ, वो रात पर मुसल्ले पर रहता है और बीवी बिचारी इंतजार कर रही है। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह को बुलाया, अब्दुल्लाह क्या करते हो। कहा, या रसूल अल्लाह मैं दिन भर रोजा रखता हूं। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्लाह ऐसा न किया करो, अगर रोजे रखना हो तो महीने में 3 दिन रोजे रखा करो। महीने में कितने दिन भाई? 3 दिन। अगर तूने महीने में 3 दिन रोजे रख लिए, अल्लाह महीने भर रोजे रखने का सवाब तुझे देने वाला। من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، एक लेकर आओ 10 लेकर जाओ, और अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता है तो फलियसुम सौम दाऊद। तो कहा, हजरत दाऊद के रोजे रखा कर। कहा, क्या रसूल अल्लाह। का हजरत दाऊद अलैहि सलातु वस्सलाम का मामूल था, युफ्तिरु यौमन व यसूमु यौमा, साल पर हजरत का मामूल ये था, एक दिन इफ्तार एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार एक दिन रोजा, साल भर मामूल था। अगर तूने इस तरह रखा तो जिंदगी भर रोजे रखने का सवाब अल्लाह तुझे देने वाला है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह को समझाया, अब्दुल्लाह इन्न लिनफ्सिका अलैका हक्का वलिअइनिका अलैका हक्का وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، अब्दुल्लाह अपनी जान का भी हक है, आंखों का भी हक है, लिहाजा रात में आराम भी करो, आखिरी पहर में नमाज भी पढ़ा करो, बीवी का भी हक है, सब के हुकूक अदा कीजिए। कहा, या रसूल अल्लाह इंदा ख्याल रखो। इतने बड़े इबादत गुजार वो सहाबी के घर गए रात में और कहा कि चचा, उम्र में बड़े थे, कहा चचा अगर इजाजत हो तो मैं आपके घर रहना चाहता हूं, अब्बा नाराज हो गए और मुझे घर से निकाल दिया है। कहा कोई बात नहीं, आ जाइए। लिहाजा उनके घर रहे। रात को जब कमरे में लेटने के लिए गए तो हजरत अब्दुल्लाह एक बिस्तर पर अपने चारपाई पर और वो सहाबी दूसरी चारपाई पर,
हजरत अब्दुल्ला सो गए, शक्ल ऐसी बनाई कि आप सो रहे हैं लेकिन अपनी चादर को हटाकर खामोश देख रहे हैं कि आज मैं देखना चाहता हूं कि चचा का अमल कौन सा है, हालांकि मैंने तो 24 घंटे इबादत पर लगा दिए और नबी ने मुझे ये बशारत नहीं दी और इनको ये खुशखबरी दे दी कि आधा रजुल मिन अहलिल जन्ना, ताकि मुझे पता चल जावे तो मैं भी अमल करना शुरू कर दूं ताकि मुझे भी जन्नत की बशारत मिल जाए। तो वो तो देखते रहेंगे अभी उठेंगे अभी उठेंगे, वो तो खर्राटे लेकर सो रहे हैं। तहज्जुद का वक्त हुआ तो उठे और तहज्जुद पढ़ी और मस्जिद नबी में फजर अदा की। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीन दिन हुए, तीन दिन के बाद वो अब्दुल्लाह उस सहाबी से यूं कहने लगे, चचा कोई अब्बा नाराज भी नहीं हुए थे और कोई ऐसा ऐसी बात नहीं थी, मैं आपके पास इसलिए आया था कि मेरे नबी ने तीन दिन से आपको जन्नत की बशारत सुनाई, आप मुझे बताओ तो सही कौन सा अमल है, मैंने तो कोई देखा नहीं आपका अमल, हालांकि मैं इबादत में आपसे आगे बढ़ा हुआ हूं। तो वो साहबी कहने लगे, भतीजे ये राज है मैं नहीं बताऊंगा। तो कहा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूं। अब वो जब निकलने लगे, अब्दुल्ला दरवाजे तक पहुंचे, फिर उन्होंने बोला इधर आओ भतीजे, अब जब तुम पूछ रहे हो, आज तक मैंने किसी को बतलाया नहीं लेकिन आज मैं तुम्हें बतला रहा हूं। तो कहा क्या अमल है? कहा देख बेटा, मेरा कोई अमल नहीं है, मेरा अमल सिर्फ इतना है कि मैंने अपने दिल को हसद से, बोग्ज से, अदावत से, दुश्मनियों से बिल्कुल पाक साफ रखा है, मेरे दिल में किसी की तरफ से कोई कीना नहीं है, कोई हसद नहीं है। तो जब ये जवाब सुना तो हजरत अब्दुल्लाह एकदम कहने लगे, हावा हुआ, चचा यही वो बात है जिसकी वजह से मेरे नबी ने आपको जन्नत की बशारत सुनाई। अजीज दोस्तों, हम भी तो ये नियत करें कि साल भर हम अपने दिलों को साफ रखेंगे इंशाअल्लाह, हम किसी की दुश्मनी क्यों रखें, हम किसी को खुश देखकर नाराज ना हो, आज हमारे दिल बहुत छोटे हो गए, हम किसी को खुश देखते हैं कि उसने अच्छी गाड़ी ली है, वो बेचारा अच्छे मकान में रह रहा है, तो हमारी तबीयतों पर उसका असर पड़ता है कि ये कहां से ले आया, अरे भाई ये कहां से लाया कि अल्लाह ने इसको भी नेमत अता फरमाई है, हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह तुझे और अच्छा बेहतरीन नेमतों से नवाजे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत उमर आपके पास तशरीफ ले गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्महातुल मोमिनीन बैठी हुई थी, बड़ा तफसीली बात है, वक्त नहीं है, मुख्तसर करके यूं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्महातुल मोमिनीन बैठे हुए थे और अपना नफका बढ़ाने की दरखास्त हो रही थी। उमर ने दरवाजा खिटखिटाया, पूछा कौन है? या रसूल अल्लाह, उमर, मैं उमर हूं। जब उमर का नाम सुना, यबतदिरन बिल हिजाब, वो तमाम उम्महातुल मुमिनीन पर्दे में चली गई। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला और उमर अंदर दाखिल हुए, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, लिमादा ज़हिक, क्यों आप मुस्कुरा रहे हो? हंसने की वजह किया। कहा उमर बात जाने दो, अभी ये सब बैठकर मुझसे कह रही थी कि 500 में काम नहीं चलता है, 1000 करना पड़ेगा महीने का खर्चा, लेकिन जब आपका नाम सुना तो वो अंदर चली गई। तो उमर ने कहा, या अदुवाति अनफुसिहिन अतहबननी, ए अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती और नबी से नहीं डरती? तो अंदर से जवाब दिया उम्मे सलमा ने, हाँ नबी का डर नहीं लगता है, तुम्हारा ही डर लगता है, अंत अफस व अंत अगलस, आप बड़े सख्त दिल हैं, आपका मिजाज बड़ा सख्त है। अब हजरत उमर को जब ये जवाब मिला तो उमर के तेवर बदल गए, गुस्से में आ गए, भाई क्यों मुझे ऐसा कह रहे? हुजूर ने चेहरा देखा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि जवाब शुरू हो जावे तुर्की ब तुर्की। अल्लाह के नबी ने पूरा मामला संभाल लिया, कहा उमर बैठो, अल्लाह ने तुझे वो मकाम दिया है कि जब तू किसी रास्ते पर से गुजरता है शैतान भी रास्ता बदल दिया करता है। उमर खुश हो गए, यहाँ यार रसूलल्लाह बात तो बिल्कुल सही है, और वो पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया। तो अल्लाह के नबी को जब हंसता हुआ देखा तो उमर क्या कहने लगे,
اضحك الله سنك يا رسول الله اے اللہ کے رسول اللہ آپ کے دانتوں کو ہستا ہوا رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے ہماری سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے بھائی کو خوشی میں دیکھ کر ہمیں کہنا چاہیے اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے دعاؤں کے دینے سے ہمارا بھی کام بنے گا اس لیے دوستو یہ سال پورا ہونے جا ہمارا سال تو شروع ہو گیا محرم سے لیکن 31 یہ جو 31 دسمبر آج رات میں اپنے جوانوں سے یوں کہوں گا کہ بھئی ہم خرافات میں اپنی راتیں ہرگز نہ گزاریں بلکہ میں کہوں گا کہ جیسے رات 12 بجے پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے ہم اپنے رب کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لینا اور پچھلی زندگی پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں اور نیت کرو آج کہ آئندہ انشاءاللہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا نیت تو کریں ہو جاتا ہے گناہ اور انسان ہے کل بنی آدم خطاؤن اگر ہو گیا فوراً توبہ کر لیں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آنے والے سال کو عافیت والا سال بنا دے اور اللہ ان مہلک بیماریوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی بلکہ عالم انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین